चलो बच्चे, आज हम लोग वॉइस पढ़ते हैं और वॉइस स्टार्ट करने का प्रयास कर देखते हैं वॉइस क्या है। पहले वॉइस के एक एक चीज जानते हैं, क्योंकि वॉइस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में बहुत ही आजकल तो पीटी पूछा जा रहा है जी। तो पहले ये जान लो कि वॉइस कहाँ कहाँ पूछा जाएगा और किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले वॉइस जानने का प्रयास करते हैं कि आपका एग्जाम है SSC CPO 2017 से पहले 15 तक 16 तक ए टायर वन में पूछा नहीं जाता था, मतलब आपके जो पीटी एग्जाम थे वहां से क्वेश्चन वॉइस नहीं होता था। लेकिन अब इस बार के पैटर्न को देखो अगर, तो वॉइस से लगभग जो है एक से दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब दो नंबर से कितने नंबर तक का, चार नंबर तक का। तो बोलो अब टायर वन में वॉइस ना पढ़ना हानिकारक होगा ना। दूसरी बात, अब हमने कहा टायर वन के लिए, अगर हम टायर टू की बात करें तो वॉइस से ही 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो टायर टू भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर टायर वन टायर टू दोनों मिला लें तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जी मिनिमम, यानी 20 से 25 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक पढ़ने से, मात्र 3-4 क्लास करने से अगर 20 से 25 नंबर फिक्स आ रहा हो, तो क्यों नहीं इस चीज को बढ़िया से पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो वॉइस टॉपिक से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे ही होंगे। बात करते हैं यूपीएससी का, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो वॉइस टॉपिक से कम 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। आप बात करें CPF का, दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां की वॉइस से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता हो। लगभग सारे एग्जाम्स में जहां पे अंग्रेजी पूछा जाएगा वहां वॉइस पूछा जाएगा, क्लियर। वापिस आते हैं, अब यहां हमने कहा क्वेश्चन की बात, तो वॉइस पढ़ने के लिए हम लोगों का जड़ कैसा हो, कैसे वॉइस पढ़ें, सीखे कैसे वॉइस, उस पर बात करते हैं। तो बिल्कुल वॉइस पढ़ने के लिए आखिर अंग्रेजी में होता क्या है, अंग्रेजी में हमेशा तीन चीज, क्या बाबू, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, ये तीन पार्ट होता है। तो वॉइस पढ़ने के लिए आखिर वॉइस का मतलब क्या होता है पहले वो जानो। जैसे ध्यान देना कि व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट डूअर और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट डूअर, इन दैट केस वॉइस इज यूज्ड। कैसे, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं। जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि राम आम खाता है, कोई व्यक्ति पूछे कि वॉइस बनाओ तो बोल देंगे आम राम के द्वारा खाया जाता है। ये तो बचपन से जान रहे हो जी, बचपन से राम आम खा रहा है कि राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो एक बात बताओ, क्या तुम डेली यूज में, व्यवहारिक यूज में, क्या तुम पैसिव वॉइस का यूज कर पाते हो, क्या तुम कहीं बोलते हो तो क्या ये स्पीकिंग यूज होता है कहीं बोलचाल में, क्या तुम किसी के घर जा रहे हो तो बोलोगे मेरे द्वारा तुम्हारे घर में प्रवेश किया जा रहा है, नहीं ना। तो आप ऐसा प्रयोग नहीं करते, यानी कि आप पैसिव वॉइस का एग्जैक्ट यूज आप नहीं करते। तो कैसे करते, जबकि 80% 60% स्पीकिंग पैसिव वॉइस में ही होता है। तो वजह क्या, हमने कहा कि बोलते भी नहीं और मैं कह रहा हूं बोलते भी हैं, तो वजह क्या है वो समझो। तो इसको, वजह को जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट का क्या रोल, वर्ब का क्या रोल, अदर वर्ड का क्या रोल वॉइस में। हमने कहां पढ़ा था, टेंस में, अब कहां पढ़ेंगे, वॉइस में। तो वॉइस पढ़ने से पहले एक पॉइंट जानना होगा कि आखिर इस सब्जेक्ट का रोल क्या है। तो हम लोग लिखेंगे रोल ऑफ सब्जेक्ट, क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ सब्जेक्ट, यानी बिल्कुल अलग थे। जितना तुमने पढ़ा सब छोड़ दो, आज जो पढ़ा रहा हूं आज से वॉइस तुमको आ जाएगा, अभी से वॉइस आ जाएगा, बस फील करो मेरे साथ। हमने कहा सब्जेक्ट की बात करा, सब्जेक्ट हमने पढ़ाया था दो तरह का, याद करो, एक कहा था कि सब्जेक्ट होने के लिए कोई जिंदा प्राणी चाहिए, मतलब लिविंग चाहिए, सब्जेक्ट होने के लिए उसे काम करना जरूरी है, डूअर चाहिए। बोलो बाबू, कहा था ऐसा बात, तो बोलो बच्चे, इसी का नाम तो टेंस होगा ना, इसी को तो टेंस कहते हैं बच्चे, क्लियर। हमने कहा था कि राम आम खाता है, बिल्कुल समझो बच्चे की तरह, पहला क्लास, राम आम खाता है। अब बोलो राम लिविंग है कि नहीं, बोलो राम डूअर है कि नहीं, तो राम आम खाता है, राम लिविंग है, राम डूअर है, तो बोलो इसको टेंस बनाएंगे ना, चाहे कोई टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट, बात की बात है, लेकिन टेंस का काम किया कि नहीं। और टेंस में क्या करते हैं, तो टेंस में तुम वर्ब का कोई भी वर्ब, तुम V1 लगा सकते हो, V5 लगा सकते हो, V3 लगा सकते हो, V2 लगा सकते हो, V4 लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस,
जैसा नेचर होगा वो तो टेंस में पाया होगा, क्या नेचर होगा वापिस आ जाओ। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए था, क्या चाहिए था। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट होने की लिविंग चाहिए। अब मुद्दा उठ गया क्या सर कि जो नॉन लिविंग होगा क्या वो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या सर जो नॉन डुअर होगा सब्जेक्ट नहीं होगा। मुद्दा ये है, हमने बोला कलम टूट गया, भाई कलम सब्जेक्ट है कि नहीं है, है ना, यानी कि सब्जेक्ट हो कौन सकता है, नॉन लिविंग, नॉन डुअर। अगर कोई सब्जेक्ट यानी ये सेंटेंस कैसे भाई, तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट लिविंग भी और नॉन लिविंग भी, डुअर भी और। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, नॉन डुअर है, तो इसको तुम टेंस मत कहना, इसे ही तुम वॉइस कहना। वॉइस और टेंस में अंतर क्या है वो समझो। तो सब्जेक्ट क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसको क्या कहेंगे, वॉइस। अब बोलो कलम टूट गया, बोलो कलम लिविंग है कि नॉन लिविंग, बोलो एक्टिव की पैसिव, पैसिव। पहचानना सीखना है तो बोलना भी सिखा दूंगा तुम्हें, लिखना भी सिखा दूंगा, पहले पहचानो। तो कलम टूट गया, कलम सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, टूटना वर्ब हुआ कि नहीं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हुआ। तो यहाँ पे देखना ये है कि सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग है, तो यहाँ नॉन लिविंग है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जब कोई सब्जेक्ट तुम्हारा नॉन लिविंग नॉन डुअर हो, तो वर्ब का यहाँ पे ए भी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, और वर्ब का एक ही फॉर्म लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कितना फ्री हो गया, रिलैक्स हो गया माइंड कि भाई अब वॉइस अगर पकड़ना हो, तुम्हें वॉइस में बोलना हो, लिखना हो, तो एक ही वर्ब आएगा जिसका नाम है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर बोलो वी वन लगाया पैसिव होगा क्या, वी फोर लगाया पैसिव होगा क्या, वी थ्री पैसिव होगा, यस सर। यानी वॉइस कौन होगा सिर्फ वी थ्री, वी वन, वी टू, वी फाइव, वी फोर पैसिव नहीं होता। यानी चार ऑप्शन में सबसे पहला तुम्हें क्या चेक करना है, वी थ्री। हम लोग चेक करते हैं बाई लगा है कि नहीं। राम हिट्स अ मैंगो, मैंगो ईटन बाई राम, बाई छूट गया तो बेचैनी छा गई कि बाई कहां गया। तो बाई नहीं ढूंढना, पहले क्या ढूंढना वर्ब का कि थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर होगा तो वॉइस होगा, नहीं होगा तो वॉइस नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पे वॉइस का मतलब वर्ब का, तो स्ट्रक्चर याद रहेगा बच्चे। वापिस आ जाओ कंसेप्ट नंबर टू। अब यहां हमने कहा कि लिविंग और डुअर की बात करा। अब लिविंग में एक परसेंटेज दे रहा हूं, 10% और 90%। यहां दे रहा हूं परसेंटेज 10%, 90%। क्यों दे रहा हूं समझना गौर से। हमने एक लाइन लिखा कि तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। अब बताओ बाबू तुम्हें सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो लिविंग है कि नहीं, अब बोलो डुअर है कि नॉन डुअर, बोलो। तो बोलो लिविंग तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तो लिविंग हो गया तुम्हें, लेकिन काम तो नहीं कर रहा। मैं कहूं तुम्हें पीटा जा रहा है तो तुम तो बैठे हो, पीट कोई और रहा है नहीं, तो बोलो तुम नॉन डुअर हुए कि नहीं। तो नॉन डुअर का परसेंटेज ज्यादा। अब एक हाथ में रखा लिविंग 10%, एक में रखा डुअर नॉन डुअर, तो वजन किसका ज्यादा, तो नॉन डुअर का मतलब वी थ्री का मतलब पैसिव वॉइस। तो बोलो तुम्हें पीटा जाता है, पैसिव वॉइस का लाइन है कि नहीं। ऐसा मैं क्यों सिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें अंग्रेजी लिखना भी आ जाए। ऐसा क्यों सिखा रहा हूं, दो लाइन बोलना भी आ जाए, इसलिए सिखा रहा हूं। वॉइस इस तरह का था कि हर एंगल से वॉइस सीख जाओ, सिर्फ ये नहीं कि एक एग्जांपल का तुम्हें आंसर निकालना आ जाए। निकालना तो आ जाए, खिलौना है खिला दूंगा। यहां तुम्हें चाहिए कि एक वर्ड का लिखना पढ़ना सब आ जाए। एक बार वॉइस पढ़ो, दोबारा वॉइस पढ़ने की जरूरत लाइफ में ना पड़े। बार बार चैप्टर नहीं, एक बार पढ़ लो काम समाप्त। तो बोलो समझ में आया तो फिर आता है। अब ओरली सुनो। वह नदी में डूब गया, वह नदी में डूब गया, बोलो एक्टिव है कि पैसिव है, एक्टिव की पैसिव। वह नदी में डूब गया, वो नदी में डूबने नहीं गया था, नदी पर चलने गया था, नदी ने डुबो दिया, उसकी क्या गलती है। जैसे कुछ सुनते होंगे अभी कि डल झील पे दौड़ रहा है, डल झील बर्फ बन गया, तो डल झील, झील तो पानी वाला झील, वो बर्फ बन गया, पूरा बन गया, तो उस पर तुम दौड़ सकते हो ना। तुम किसी को बोलो कह रहे मैं डल झील में खेल रहा हूँ, डल झील पर खेल रहा हूँ, तो डल झील पर खेल रहे हो
तो झील का मतलब पानी वाली झील ना, तुम उस पर कब खेले, बर्फ पर खेले, तो बाबू बर्फ पानी का रूप तो है, उस पर तुम खेल रहे हो ना, तुम्हें डुबाया बर्फ नहीं ना, डुबाया जी नहीं ना, तुम खेल रहे थे उस पर, अगर पानी हो तो डूब जाते, यानी तुम्हें डुबाने का काम कौन करता है, पानी, तुम तो दौड़ने गए थे पानी पर, डुबा दिया, तुम्हारी क्या गलती, तो बोलो तुम नॉन डुअर हुए कि नहीं हुए, तो बोलो पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ, मैं थक गया हूँ, एक्टिव की पैसिव, आई एम टायर्ड की आई हैव टायर्ड, आई एम टायर्ड, हम लोग आज तक बोलते थे आई एम टायर्ड, बस सुन करके बोल दिए, नहीं पता कि वॉइस भी है, तो आई एम टायर्ड पैसिव वॉइस है ना, बहुत लोग मारे गए एक्टिव की पैसिव, पैसिव क्योंकि मारा कोई और, देखो तो सोनू सब्जी बिक रहा है, सब्जी बिक रहा है एक्टिव की पैसिव, क्योंकि सब्जी उछल कर बिकेगा, बेचने वाला कोई और होगा ना, यानी कि जब डूअर का भाव हो, काम करने वाला नहीं हो, वो दुनिया का हर एक सेंटेंस, चाहे लिविंग हो या चाहे नॉन लिविंग हो, चाहे डूअर हो चाहे नॉन डूअर हो, बोलो पैसिव वॉइस होगा कि नहीं होगा, yes, sir. तो पहचान लोग हिंदी में, कोई डाउट दिक्कत नहीं, उतार लिया इसको, yes, sir. आगे बढ़े, yes, sir. आगे बढ़ो, कंसेप्ट आगे बढ़ते, यानी कि वॉइस समझ में तुम्हें आया, अब तुम लिखो वॉइस, अब हेडिंग बनाओ वॉइस, अब वॉइस बढ़िया से पढ़ाता हूँ, लिखो वॉइस, ये था वॉइस का ट्रेलर जिसमें समझाया मैंने, लिखो वॉइस प्रॉपर और डिफिनेशन लिखो, लिखो व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, ब्रैकेट में कर देना डूअर, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, ब्रैकेट में कर देना डूअर, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, ब्रैकेट में डूअर, और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, ब्रैकेट्स में डूअर, और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, और डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, ब्रैकेट्स में डूअर, When we do not have any subject or don't want to talk about the subject, then we use voice. Then we use passive voice कर दो. Then we use passive voice. बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं मान रहा हूँ तुम्हें कुछ आता भी है, जीरो लेवल. Then we use passive voice. यानी passive voice के use कब करेंगे बाबू? जब doer का भाव हो, काम करने वाले का भाव हो, तब passive voice करेंगे. नीचे लिखो. Voice can be studied under two groups. 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 Active, passive. Active or passive. Active का मतलब tense. Active का मतलब tense. Tense में तुम्हें जितना पढ़ाया हूँ सब active voice में होता. जितना भी तुम्हें टेंस पाया अब तक सब कौन सा वॉइस था? वॉइस का हिंदी होता है वाच. वाच का मतलब बोलते हैं सो. और पैसिव का मतलब होता है उसी को जो बनाया, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं. यानी दूसरे घुमा के बोला हमने. यानी एक्टिव वॉइस तुम पढ़ चुके हो, क्या पढ़ना है तुम्हें अब? पैसिव वॉइस. क्लियर? तो पैसिव वॉइस बनाने कुछ नियम कानून होंगे ना बाबू, तो लिखो नीचे रूल्स. रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव. रूल्स फॉर चेंजिंग active into passive. Rules for changing active into passive. Rules for changing active into passive. Rules for changing active into passive. Active से passive बनाने के नियम कानून. ठीक है, नियम कानून पढ़ाऊंगा. पहले बोर्ड पे ध्यान दो. Subject, auxiliary verb, verb, other word. तुमसे पूछा जाए बोलो कौन से टेंस का वाक्य है, कौन से टेंस का है? पैसिव वॉइस कौन सा टेंस का नाम है जी? बोलो कौन सा टेंस है? कोई टेंस नहीं है, क्योंकि जब तक वर्ब डिसाइड नहीं हो टेंस का नाम नहीं. अब बताओ वी वन वी फाइव टेंस का नाम बोलो. बोलो टेंस का नाम. बोलो टेंस का नाम. बोलो टेंस का नाम. बोलो चारों टेंस का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना. जितना भी टेंस पाया सब ही ना जी. अभी इसको कहेंगे हम एक्टिव वॉइस. इसको कहेंगे एक्टिव वॉइस.
जब पैसे बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो नियम कानून होगा, तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो यहां सभी लोग क्या बना देंगे उसको, जैसे अगर मान लो यहां ही लगा है तो उसको क्या कर देंगे, यहां हिम, यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अगर यहां पे मान लो मी लगा है तो उसको क्या कर देंगे, कोई आपत्ति किसी को? ऊपर में लिखा ए भी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो नीचे भी कोई ना कोई आएगा ना भाई। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई वर्ब का फॉर्म हो, क्या बोला था, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। को दिक्कत? सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आफ्टर एनी फॉर्म वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड देन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड पैसिव। उतार लिया? नो सर। पेन चलाओ, अब एक एक चीज लिखवा भी दूंगा जल्दी से, एक एक चीज करो, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो वॉइस शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है बाबू, अब लिखो रूल, लिखो रूल फर्स्ट, जो किया वही लिखवा रहा हूँ, कोई नया चीज़ नहीं है, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ताकि हर चीज अकेले में पढ़ो तो ध्यान रहे। लिखो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, 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 सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। रूल नंबर टू लिखो, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। रूल नंबर टू, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। पहला लिखा सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तीसरा रूल लिखो, तीसरा रूल एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एप्रोप्रिएट APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। रूल नंबर फोर लिखो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। रूल नंबर नेक्स्ट, आराम से लिखो, कहां तक लिखा, ये वाला हो गया, ये भी वाला, यहां लिखो एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। अगला लिखो आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। और जहां दिक्कत हो वीडियो में पॉज करके फिर दोबारा देख लो, ठीक है बाबू। लिखो एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। क्या पाती? यहां तो समझ में आ गए बच्चे? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे लिख लो, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑल्सो चेंज्ड। लिखे बाबू, अच्छा बोर्ड पे ध्यान दो, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर? इस तरह के एरो तो पता हो तुम्हें, ये सब्जेक्ट होता है डूअर, समझना, बड़े प्रेम सुना रहा हूं, आराम से बाबू गप ना करो। देखो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, डूअर है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीवर, डूअर और बोलो आई सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, तो तुम अगर बोलते हो कि वह मुझे पीटता है तो वह काम कर रहा है, मैं पिटा रहा हूं तो मैं रिसीव किया ना, मैं तुम्हें पीटता हूं तुम रिसीव कर रहे हो ना, तो सब्जेक्ट हो गया, रिसीवर हो गया, बोलो वी का
ही का him, शी का her, इट का it, यू का you, दे का there, राम का रामू, राम का राम ही होता है, राम सब्जेक्ट भी है राम, लता सब्जेक्ट भी लता, ये नहीं कि लता का लते हो जाएगा, समझ आया था? वैसे आ देखो अगला कंसेप्ट समझो गौर से, ये लिख लिया तुमने, ये तुम्हारा था सब्जेक्ट, ये क्या बाबू, ये क्या है डूअर, ये क्या है नॉन डूअर, क्लियर? समझना बहुत आराम से, इसका आई का हिंदी क्या होता है बच्चे, और मी मतलब मुझे, जो रिसीव करता है मुझे, हिंदी चाहो तो लिख लो, मैं जल्दी जल्दी, मुझे, वी का मतलब हम, हमें, ही वह उसे, लिखो प्रॉपर, वह फीमेल के लिए उसे, इट मतलब यह, इसे, तुम, तुम्हें, वे, उन्हें, क्लियर कंसेप्ट? क्लियर? अब थोड़ा सा बहुत मेजर कंसेप्ट क्लियर करूंगा, है तो बहुत आसान चीज, लेकिन उसे बहुत मेजर रहस्य छुपा हुआ है जो बच्चा नहीं समझ पाता है और हिंदी से उसको समस्या हो जाता है। वॉइस तो आसान चीज है, लेकिन तुम्हें लिखना है, बोलना है, कैसे आएगा वो बेसिक चीज तुम देखो, तब एक एक चीज सिखा सीख लो, ठीक है? अब देखो एक हिंदी में लिख रहा हूं, देखना, मैं उसे पिटता हूं, बोलो मैं तुम्हारा क्या है बाबू, और उसे वर्ड देखो, उसे कहा, उसे वर्ड क्या रिसीवर, तो बनाओगे आई पिटता हूं का बीट, और बोले ऑब्जेक्ट है ना, आई बीट हिम होगा ना, ठीक है? अब आगे ध्यान दो, ठीक है? अब कंसेप्ट नंबर टू देखो, तो मैं उसे पिटता हूं, आई बीट हिम, ठीक है? अब मैं सेंस कहूं कि उसे, तेना गौर से, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है, अब ध्यान दो, उसे पीटा जाता है, अब बोलो उसे वर्ड यहां भी था, उसे वर्ड यहां भी है, बहुत गौर से प्रयास करना, उसे यहां भी, उसे यहां भी, अब इस दोनों उसे में अंतर क्या है? यहां पे उसे का अंग्रेजी हिम लगाया हमने, तो यहां पे उसे अंग्रेजी क्या लगाऊं, बोलो ही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कि सब्जेक्ट डूअर है और सब्जेक्ट नॉन डूअर भी होता होगा, यही समझाना है, सब्जेक्ट डूअर भी सब्जेक्ट, इसी को तो वॉइस कहते हैं ना, यानी कि यहां पे आई का मतलब मैं और नॉन डूअर में हिंदी क्या हो जाएगा, यानी वही आई का हिंदी मुझे, जो रिसीवर ये है, बेसिकली है रिसीवर ही, लेकिन प्लेस किसका है, सब्जेक्ट का, यानी ये सबका हिंदी सेम ये वाला हिंदी हो जाएगा। बोल बाबू, वी मतलब हम, हमें, नॉन डूअर में उसे, उसे, इसे, तुम्हें, उन्हें, यानी तू उसे पीटा जाता है, अब उसे कहेंगे आपका ही होगा बाबू, अब ही पीटा जाता है, जो भी बनेगा फिलहाल बना देता हूं, डरना मत, ही इज बीटन, अब कैसे बना मत पूछो, अभी पढ़ाऊंगा, बस ये देखो कि ही हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे हिम का गलत हो जाएगा ना, तो ही इज बीटेन, उसे पीटा जाता है, तो सब्जेक्ट का पहचान हो गया, क्योंकि बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं वो उसे फोकस कर रहा हूं मैं, उसको लगता है कि उसे हो गया सब्जेक्ट तो आई लगा दूं, तो आई नहीं लगाना, इसका डबल हिंदी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कभी काम करता है, सब्जेक्ट का भी काम करता है, डूअर है कि नॉन डूअर ये देखना है, यहां पे नॉन डूअर है तो यहां ही वर्ड आएगा। अब तुमको ही मतलब वह होता है सर, तो वह हिंदी हुआ तो हिंदी निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, समझ में आया बाबू? किसी को दिक्कत बाबू पीछे से? आगे बढ़े, चलो अब हम लोग वॉइस पढ़ना सीखते हैं। हेडिंग लिखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब तुम वॉइस बनाने लग बन गए हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग देखते हैं वॉइस बना के, बिल्कुल बच्चों की तरह देखते हैं कि वॉइस कैसे बनता है, कैसे सीखते हैं, फिर देखो कैसे काम, बेसिक टू एडवांस,
बेसिस टू अप्लाइड, हर काम करेंगे। ठीक है, शांति से नहीं बच्चे, आगे ध्यान दो। सिंपल प्रेजेंट टेंस दिख लिया, अब बताओ स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस है, कोई डाउट? अब पहले कुछ कंसेप्ट सीख लो। जहां भी मैं सिंपल वर्ड बोलूं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यही तीन तरह है, तो जिस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता उसके अगले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। ऐसे भी वॉइस में हमेशा इज एम आर बाद बीइंग वर्ब भी आता है, और कोई वर्ब आता ही नहीं। हमेशा क्या आता है? बीइंग वर्ब, इज एम आर बाद बीइंग बीन, बस यही आता है, और कुछ आता ही नहीं, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट का अगला टेंस कॉन्टिन्यूअस यानी इज एम आर आएगा, सिंपल पास्ट में बाद वेयर, फ्यूचर में विल बी शैल बी, हमेशा बी भर आता है। तो यहाँ बोलो सिंपल प्रेजेंट का है, तो इसमें सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अब बोलो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा दूं? इज एम एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू आफ्टर भी थ्री और बाय के बाद, पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल लिखा यहां पे, ही लाइक्स मी, He likes me. को देखा बाबू, बोलो ही तुम्हारा सब्जेक्ट, ही तुम्हारा सब्जेक्ट, लाइक्स तुम्हारा फिफ्थ फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे तो मी को यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब आई के साथ क्या लगाऊं? लाइक का वी थ्री बाय, बोलो तो आई एम लाइक्ड बाय हिम, बोल बच्चे। तो छोटा मोटा एग्जाम्पल तो बना लोगे आप? आगे बढ़े मिटा के इसको, अभी मैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल नहीं दूंगा, अभी मैं कुछ सिखा दूं उसके बाद दूंगा, पहले कुछ सीख लो बेसिक, उसके बाद मिटाया जाए। बच्चे उतारो इसको, ही लाइक्स मी, आई एम लाइक्ड बाय ही लाइक्स मी, आई am liked by him. अब जरा बोर्ड पे आराम से ध्यान देते रहो, आज का क्लास तो होगा ही बढ़िया से, क्योंकि नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बोर्ड पे ध्यान दो, देखिए आप इसमें से गौर से, जरा मुझे सोच करके बताओ बाबू कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री बाई प्लस ऑब्जेक्ट, If someone asked you कि इसका टेंस क्या है, बोलो जरा, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है ना, यानी ये सिंपल प्रेजेंट का ही स्ट्रक्चर है। अगर तुमसे कहा जाए कि सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस का नाम क्या बाबू? यानी सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, बोलो। अब बताओ इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव हो सकता है ना? राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, डजंट राम ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम ईट अ मैंगो, व्हाई डजंट राम ईट अ मैंगो, बोलो। छह बनाने आता है ना? कोई डाउट? एग्जाम में ही पूछेगा, आजकल पॉजिटिव नहीं पूछ रहा, नेगेटिव पूछ रहा, इंट्रोगेटिव पूछ रहा, डब्ल्यू फैमिली पूछ रहा, बच्चा कंफ्यूज कर गया। अब बोलो इसका भी तो छह बनेगा, जब इसका तुमने छह बनाया पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू फैमिली, तो बोलो इसका बनेगा नहीं बनेगा? तो छह प्लस छह बारह हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक सेंटेंस को तुम बारह तरीके से बोल सकते हो। आज के बाद हमने कहा देखो गौर से, राम इट्स मैंगो, राम डज नॉट इट मैंगो, डज राम इट मैंगो, डजंट राम इट मैंगो, व्हाई डज राम इट मैंगो, व्हाई डजंट राम इट मैंगो, उसको बनाया अ मैंगो इज इटन बाय राम, A mango is not eaten by Ram. Is a mango eaten by Ram? Isn't a mango eaten by Ram? Why is a mango eaten by Ram? Why isn't a mango eaten by Ram? बोलो एक सेंटेंस को छह तरीका यहाँ और छह तरीका तो बारह तरीके से अगर तुम्हें घुमाना आ रहा है, बोलना आ रहा है, तो जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तुम उसकी धैर्य उड़ा सकते हो ना? वापिस आ जाओ बोर्ड पे, अब देखो तो स्ट्रक्चर मैं इसका आपको हेल्प करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर मैं लिख दे रहा हूँ,
एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ ताकि आगे से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, एक लिख रहा हूँ ताकि आगे में ध्यान रखना। अपने को बच्चे देखो, सब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करें, नेगेटिव था तुम्हारा, इंट्रोगेटिव की बात करें तो डू डज सब्जेक्ट वी वन अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव लगाओगे तो डू नॉट डज करना, चश्मे अपना करो, डू नॉट डज नॉट कर सकते हैं, ठीक है। बात करें डब्ल्यू एच फैमिली का, डब्ल्यू एच प्लस, डब्ल्यू एच का मतलब वाट वेयर वेन वाई हाउ, फिर सुन लो, डब्ल्यू एच के मतलब वाट वेयर वेन वाई हाउ प्लस डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब एक तुम नेगेटिव बनाओगे तो डोंट डजन प्लस सब्जेक्ट, यहां लगाओगे तो डब्ल्यू एच प्लस डू नॉट डज नॉट वी वन प्लस अदर वर्ड, चार प्लस दो छः हो गए, वापिस यहाँ आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो नेगेटिव देखो बना रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ए नोटी नॉट प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इसको नेगेटिव कहते हैं। जैसे अ मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय राम। इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चे तो इज एम आर सब्जेक्ट वी थ्री बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इसको इंक्लूड कहते हैं। इसको तुम नेगेटिव चाहो तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट कर देना, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें तो डब्ल्यू एच की बात करें बच्चे तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इससे सब पैसिव वॉइस, टोटल टोटल पैसिव वॉइस है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ए हो गया चार प्लस दो नेगेटिव वाला छः, इसमें नॉट लगा देना एक और बढ़ जाएगा, इसमें नॉट लगा देना एक और बढ़ जाएगा, इतना तो कर लोगे। yes, अब आगे बढ़े, yes, उतार लिया, yes, उतार लो, पेन चलाइए, आराम से पढ़िए, कूल से पढ़िए। नहीं समझ में आया तो बोलो, कहीं को दिक्कत है? फास्ट मूवर बनना है, स्लो मूवर नहीं बनना। जो जितना तेज चलता है उतना ही सफल होता है, स्लो मूवर का जमाना नहीं रहा आजकल, कि आराम से की किताब लेके पढ़े जा रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करो, फिर बैक जाओ, फिर देखो, फिर पॉज करो, आराम से बैठ कर देखो, शांति घर से दोबारा तिबारा देखो। बोलो बालक, दो इतने को इसलिए कि पहले पढ़ा चुका हूं, अब दोबारा इसको तुम कर सकते हो उतना काम, इसलिए तो आज हम सबसे खड़े खड़े पूछे हैं कि बोल बेटा इसका क्या होता है, इसलिए ताकि मुझे हर में एक काम ना करना पड़े। आखिर 10 दिन 12 दिन तुम्हें टेंस पढ़ाया ना बेटा, आज ही तो काम आएगा। अब नरेशन पढ़ाऊंगा वहां इसका भी काम आएगा, और जितना पढ़ाता हूं उतना घर पे पढ़ के रखना। चलो वापिस आ जाओ, क्या लिखा था एग्जाम्पल, क्रिकेट डू यू है ना, डबल एग्जाम्पल, डू यू, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, यही लिखा ना बाबू। अब बोलो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि नहीं? चलो जी पिलर के पास खड़े हो जाओ, बोलो इसका पैसिव बनाओ क्या बनेगा, कोई नहीं बोले क्रिकेट, क्रिकेट इज अ गेम, बैठ जाओ, ऐसे बनेगा? चलो खड़े हो जाओ, खा बोलो इसका क्या बनेगा, सेंटेंस दिख रहा है कैसा है, इंट्रोगेटिव है तो क्रिकेट इज प्लेड बाय यू होगा, बैठो, सो लड़की खड़ा हो जाओ, बोलो क्या बनेगा इसका पैसिव, क्रिकेट भाई, हाँ
पैसी बनाइए महिला, इसका क्या बनेगा पैसा बताइए। क्रिकेट बैठिए, टेंस पर ही थी आप, यहाँ से बैठो, क्या बनेगा पैसे? इज क्रिकेट प्लेड बाई यू, बैठ जाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि सेंटेंस जिस प्रकार का होगा, इसके सामने इंटरव्यू लिखा था ना, यही बच्चा फंसता है। तो डरना मत, इसका टेक्निक सीखो, डू को हटाओ, अब बनाओ क्या बनेगा, क्रिकेट यहां आएगा जी, देखो बनाकर, क्रिकेट इज प्लेड बाय यू। अब बोलो इंट्रोगेटिव कब बनता है? जब बीच में पहले होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो तब ना बनेगा इंट्रोगेटिव। तो यहाँ इज ए मार्क उठा के कर दो यहाँ, यानी इज को यहाँ से हटा के कर दिया, यहाँ इज, यहाँ पे था डू, अब बोलो यहाँ डू के बदले में अब इज आया कि नहीं आया, अब बोलो कि इंट्रोगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। यही तो सीखना है कि इंट्रोगेटिव होता कब है, जब होता है जब ऑक्सिलरी वर्ब को हम बाहर करते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आ गया, इसको कहेंगे इंट्रोगेटिव। एग्री वर्ब बाहर आ गया, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। समझाया? यहां पे डू था, यहां इज आएगा। तो ये माइंड में कैलकुलेशन करना है कि भाई क्रिकेट यहां है, क्रिकेट यहां आएगा तो इज लगाना पड़ेगा। बहुत बच्चा पता है क्या करेगा, आर लगा देगा, यहां यू है ना, देखेगा आर क्रिकेट कर देगा या आर यू कर देगा, तो ब्लंडर होगा ना बच्चे। बोलो अब सुनो, तुमसे पूछा गया कि वेन डू यू प्ले क्रिकेट, When do you play? क्या बनेगा? कुछ नहीं, ऊपर से नीचे when आ जाएगा, ऊपर when, नीचे when, ऊपर when, नीचे when, ऊपर when, नीचे when आ जाएगा। तुमसे पूछा गया कि why do you play cricket? Why is cricket played by you? तुमसे पूछा गया how do you play cricket? तुमने कर दिया how is cricket? बोलो हु डब्ल्यू एच फैमिली में नहीं आता, वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, हु का बाई होम होता है वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है बैठ जाओ, वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है बाबू, हु का अलग से बनता है वो अलग से पढ़ाऊंगा, अभी वॉइस पढ़ाऊंगा अलग से। यहां तक बच्चे को दिक्कत? तो चाहे डब्ल्यू एच हो चाहे डब्ल्यू एच हो बनाना आ जाएगा ना। एक चीज समझ में रख लिया समझ के, अब इसको चलो, अब तुम 3-4 एग्जाम्पल जल्दी से लिखो, आराम से लिखो, लिखो लिखो, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, शी ऑलवेज Always helps me. She always सी के साथ हेल्प सकता बाबू ना, तो सी ऑलवेज हेल्प मी। नंबर टू लिखो, When does he take an exercise? When does he take an exercise? तीसरा लिखो, Where do you read English? नंबर चार लिखिए, Boys love animals. नंबर नेक्स्ट लिखिए, Do children like sweets? जल्दी बना दो बेटा, इसका वॉइस बनाइए, एक एक बच्चे से पूछूंगा अभी, सबके कॉपी कलम चलने चाहिए। Thank you.
बनाओ, एक मिनट का टाइम दिया हूँ। बन गया बालक? चलिए बन गया। तो पहला सेंटेंस क्या है बोलिए? शी ऑलवेज हेल्प्स मी। सेंटेंस आपके पास है, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। आपने बनाया आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर। तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हर, सबका सही है। दूसरा बोलो, When does he take an exercise? तो बनेगा when का when हो गया, तो when is an exercise taken by him? तो when is an exercise taken by him? When is an exercise taken by him? कोई दिक्कत? अगला है boys love. Where do you read English? तो where is English? रेड वायु। वेयर इज इंग्लिश? रेड वायु। वेयर इज इंग्लिश? रेड वायु। आसान लग रहा है सबको? अगला बोलो, एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। एनिमल्स आर लव्ड बाय बॉयज। लास्ट है, डू चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स? आर स्वीट्स liked by children? Are sweets liked by children? बोलो बच्चे, समझ में आया था? आगे बढ़ो, बस देखते रहो, नो नॉइस, हल्ला ना करो बाबू, बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ तक आपने सीखा वॉइस बनाना, कि भाई कोई भी सेंटेंस रहेगा, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, WHO, हम बना सकते हैं। इतना सिखा दिया, अब देखते हैं कि इसके अलावा क्या कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस में, राइट? देखते हैं बोर्ड पे, बड़े प्रेम देखना। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा, एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, सोचे उसके। अब एक्स्ट्रा के लिए क्या है कि आप बोर्ड पे गौर से देखो, एक पॉइंट कि हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो ये पैसिव वॉइस है कि नहीं है? अगर कोई पूछे कि किस टेंस का, बोर्ड पे ध्यान दो, यानी सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, इसी एक्टिव है और ये वाला पैसिव। अच्छी बात, ये बोलो सब्जेक्ट डूअर की नॉन डूअर? ये वाला? ये वाला नॉन डूअर, क्योंकि यही वाला तो उठ के आया है। तो यहाँ पे नॉन डूअर, तो यहाँ डूअर हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ क्या रहेगा? वो नॉन डूअर। यहाँ पे ये बोलो डूअर की नॉन डूअर? डूअर। लिसन, अगर मैं इसको यहाँ तक हटा दूँ तो बोलो नीचे वाले सेंटेंस में डूअर का भाव हो जाया कि नहीं? भाई यही डूअर यहाँ यहाँ आया था। हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, हमने कहा अ मैंगो इज ईटन बाय राम, हमने बायराम हटा दिया और यहाँ पे कह दिया भाई राम हो चाहे मोहन हो कोई भी खा सकता है आम। हमने बोल दिया अ मैंगो इज ईटन, अ मैंगो इज ईटन, राम ही क्यों खाएगा आम, मैं भी खा सकता हूँ। तो हमने बोला राम ईट्स अ मैंगो, अ मैंगो ईटन बाय राम, अगर राम दिया रहेगा तब। अगर राम नहीं दिया हो तो बोलो ये वाला इसमें डूअर का भाव तो हो गया ना, यानी इस सेंटेंस का पैसिव ये वाला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो राम था, इसको हटा दिया। तो बोलो ये स्वतंत्र स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? और इसको तुम
डायरेक्ट पैसिव कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तो इसे कहेंगे डायरेक्ट पैसिव। क्या कहेंगे? डायरेक्ट पैसिव, यानी विदाउट एक्टिव का पैसिव है ये। और इसको आज के बाद अगर तुम्हें कुछ लिखना चाहते हो ना, तो अंग्रेजी तुम यहीं से लिखना, स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी लिखना आएगा, बोलना आएगा, तुम्हें जो मन करता है लिखो। कलम टूट गया, कलम का पेन इज ब्रोकन, सब्जी बिकती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, आम खाए जाते हैं, मैंगो इज ईटन, मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड। सुना यार गौर से, तुम्हारा अंग्रेजी आसान हो गया, बोलना भी लिखना भी, जो मन मानता बोलो। इसका डायरेक्ट पैसिव, और एग्जाम में आजकल डायरेक्ट पैसिव से 4-5 क्वेश्चन रहते हैं बाबू। सुनो यार, बाई बाई नहीं रहता वहां। अब तुम ढूंढते हो बाई कहां गया, तो बाई क्यों देगा वो? जमाना बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है अंग्रेजी का, परंपरावादी अंग्रेजी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को जगाओ तब होगा। ऐसे क्रांति की बात नहीं करता मैं, क्रांति की बात तब करता हूं जब तुम उस तरह से पढ़ाता हूं। और इस तरह से भारत में पहली बार तुम सीख रहे हो अंग्रेजी, वॉइस तुमने बहुत पढ़ा होगा लेकिन इस लेवल पर नहीं पढ़ोगे। अगला पॉइंट देखो, मिटाओ इसको, अगला कंसेप्ट समझ में आया जी बाबू? यानी इसके थ्रू क्या बोलोगे? अंग्रेजी एग्जाम्पल लिख लो, लिख लो, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। हिंदी तो अपने मन से लिखे ना, सब्जी बेची जाती है, रोड बनता है, रोड इज रिपेयर्ड, रोड इज रिपेयर्ड, रोड अपने आप बन जाएगा जी। No, sir. The road is repaired, मतलब जितना मन करे तुम बोलो अंग्रेजी। Pain is broken, pain is broken। अब डरना नहीं है, pain non living है, is broken सही है, कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता। Pain is broken, vegetables are sold, sweets are eaten, buildings are colored, building is colored। Whatever comes your mind, active है passive है, बोलो लिखो समझो। Getting? अगला कंसेप्ट अब जरा गौर से देखते हैं, बात तो समझ में आ रही है सर। कंसेप्ट नंबर 2 देखो, हमने कहा बेटा कि संभावना क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे सब्जेक्ट के बाद अगर हमने इज एम आर लगाया, ईमानदारी से बोलो तुम्हें V4 लगाने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? पहला मन करता कि V4 लगा दो, जो होगा देखा जाएगा। अब बताओ अगर तुम V4 लगाते हो तो एक्टिव की पैसिव? एक्टिव वॉइस। टेंस का नाम बता दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कोई डाउट? बोलो बाबू, V3 आता है कि नहीं? टेंस का नाम पैसिव की एक्टिव? टेंस का नाम। अंग्रेजी तुम्हें नहीं आएगा, दिमाग में डाल दूंगा, नहीं कैसे आएगा? अंग्रेजी नहीं आएगा, तुम डरते हो DSL पढ़कर ना। देखो इज एम आर प्लस V4 एक्टिव वॉइस, टेंस का नाम। इज एम आर V3 पैसिव वॉइस, टेंस का नाम। खेलना रहा है, V3 भी लगा सकते हो, V3 लगा सकते हो। आगे देखो, इज एम आर के बाद तुम नाउन लगा सकते हो, एडजेक्टिव लगा सकते हो, इसे कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस। क्या कहते बाबू? और इसका पैसिव नहीं बनता, नो पैसिव। कोई विद्वान बन रहा है तुम्हारे सामने तो बोल दो यू आर ए स्टूडेंट, पैसिव क्या होगा? फ्लॉप कर गया। यू आर ए स्टूडेंट, पैसिव उसका बनेगा नहीं, नो पैसिव। समझ में आ रहा बाबू? कोई दिक्कत बच्ची? अब लिखो टेस्ट, 4 एग्जाम्पल लिखो, टेस्ट उतारो बढ़िया से। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर V3 पैसिव वॉइस, सिंपल सब पढ़ा चुका हूं जस्ट। इज एम आर नाउन एडजेक्टिव नॉर्मल सेंटेंस, नो पैसिव। फाइन, अब 4 एग्जाम्पल लिखो, 4 एग्जाम्पल
पहला लिखो बाबू, अ लेटर इज राइटिंग। दूसरा लिखो, अ लेटर इज राइट, WRIT, A letter is right. दूसरा लिखो, A letter is wrote. चौथा लिखो, A letter is written. बोलना नहीं, A letter is written. A letter is written. नंबर नेक्स्ट लिखो, She is writing a letter. She is writing a letter. कितने हो गए बाबू? पांच. पहला सेंटेंस था, देखो बोर्ड पे, A letter is writing. फिर से देखो, A letter is writing. बोलो कितने बच्चे राइट में हो? एक. सिर्फ राइट करना है, वॉइस नहीं पूछ रहा हूं तुमसे. A letter is writing. राइट में कितने लोग? एक बात बताओ महामानव, अभी तुरंत ना पढ़ाया था कि सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो तो बोलो V4 आएगा. A letter is writing. बोलो राइटिंग V4 कौन सा वॉइस है? बोलो एक्टिव वॉइस है. और सब्जेक्ट तुम्हारा लिविंग है कि नॉन लिविंग? डुअल है कि नॉन डुअल? बोलो अ लेटर तुम्हारा नॉन डुअल है. अब नॉन डुअर का अधिकार, बोलो एक्टिव होने का अधिकार है उसे? तो सब्जेक्ट यहां पे जब V4 होगा तो सिर्फ किसका होगा? सिर्फ किसका होगा? डुअर का. लेटर तुम्हारा नॉन डुअर है तो नॉन डुअर, नॉन लिविंग. अभी ना पढ़ाया था सब्जेक्ट जी कि सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो, नॉन डुअर हो तो क्या लगाना? पलट के देख लो कॉपी, पलट के देखो, तुरंत पढ़ाया हूं अभी कि सब्जेक्ट अगर निर्जीव प्राणी हो, नॉन डुअर हो, तो एक ही वर्ब आएगा जिसका नाम वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब तुम्हारे सामने कोई अंग्रेजी बोलेगा ना तो तुम उसको काट सकते हो, व्यक्ति को नहीं, जो बोलेगा उसको. ना ना, यानी कि हमने कहा अगर कोई व्यक्ति बोला तुम्हारे सामने क्या लेटर इज राइटिंग, तुम कहोगे गलत बोल रहे हो. क्यों भाई? कि तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है, तुम्हारा सब्जेक्ट नॉन डूअर है, तो लेटर इज राइटिंग नहीं हो सकता. क्योंकि लेटर क्या है? नॉन लिविंग, नॉन डूअर. तो बोलो पहला गलत हुआ, दूसरा है अ लेटर इज. बेचारा V4 के औकात नहीं होने का. और राइट कहाँ होगा जी? राइट है कहीं, वही गलत हुआ. तीसरा क्या है? अ लेटर इज रोट. रोट है कहीं? अ लेटर इज रिटन. V3 है ना, नॉन लिविंग है ना. बोलो चाहे हिंदी जो निकले, सेंटेंस राइट है कि नहीं? तो अ लेटर इज रिटन राइट हुआ कि नहीं? वेयर इज द प्रॉब्लम? अगला बोलो क्या है? अब देखो शी क्या है? लिविंग, डूअर. बोलो क्या आना चाहिए? है शी इज राइटिंग अ लेटर. राइट हुआ कि नहीं बाबू? अंग्रेजी समझ में आया? तो सिंपल प्रेजेंट में बोलना हो, लिखना हो, समझना हो, एरर हो, कॉमन एरर हो, बोलो सब करना आ गया कि नहीं आ गया? अब सिंपल प्रेजेंट यहां से समाप्त हो गया. एक एक कर पूरा टेंस जो आज पढ़ाया हूं ये पूरा पढ़ करके आना कल के क्लास में, तब समझ में आएगा बेहतर. क्लास कल पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक PQRS. ये मंडे को पढ़ के आना बढ़िया से, ठीक है? फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू वेरी मच.